रायपुरा कोतवाली क्षेत्र की एक महिला का आरोप है कि 27 अक्टूबर की रात 11 बजे गांव का नरेश यादव उसके घर में कूदकर आया और उसके साथ रेप किया। महिला का आरोप है कि वो घर में अकेली थी, उसका पति परदेश में रहता है, वो अपने छोटे छोटे 4 बच्चों के साथ रहती है, साथ में इसी मकान में उसकी जिठानी भी रहती है, लेकिन अलग अलग कमरे होने की वजह से और दीवार बारिश में गिर जाने की वजह से वो दीवार से कूद कर आया और उसके मुंह में कपड़ा बांध कर रेप किया। धमकी दे दिया कि अगर तुमने किसी से कहा या चिल्लाई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर वो जब दीवार कूद के वापस चला गया तो महिला चिल्ला करके अपने जिठानी को आवाज़ दी। जब वो आई तो जब तक वो नरेश भाग चुका था। महिला ने बताया कि 28 तारीख को सुबह वो रायपुरा कोतवाली गई और वहाँ पे पूरा दिन लगा, ना तो उनका मेडिकल अब तक हुआ है और ना ही उनकी रिपोर्ट लिखी गई है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। बुध के दिन 11 बजे रात के हमारे घर में नरेश यादव खोद रहे हैं, तो दीवार फांद के आए हैं, हमारे गले में लत्ता भर दे रहे हैं, बांध रहे हैं मुँह बांध के, फिर हमारे तमंचा डाल रहे हैं, कहते रहे किसी सारे किसी से बताना नहीं और गाली भी दे रहे हैं। और फिर जब हमारा मुँह छोड़े नहीं तो फिर हम अपने जेठ जिठानी को घुरा दे ले हैं और अपने में आ गए हैं देख ले हैं। कौन से थाने गए थे? ये रायपुरा। क्या कहा वहाँ पे? कहे हैं न कि हमारे साथ गलत करेंगी, तो लिख ली नहीं, फिर एक दो घंटा के बाद पकड़ ली नहीं, फिर वहाँ की छोड़ दें पैसा लेके। जब छोड़ दें तो कहते हैं कि हम तुम्हें मार डारब काट डारब बूटी बूटी काट अपने घर में आग लगा दे। उस टाइम कौन था घर में? कोई नहीं, 4 बच्चे बस रहे हैं। आप अकेले सो रहे थे बच्चों के साथ? हाँ। आपके पति कहाँ हैं? पुणे। तो अभी आपकी जैसे रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, तो किस तरह का डर लग रहा है? अब डर लग रहा है कि आई हैं तो घर में आग लगा दे हैं, काट रहे हैं। तो अभी आप कहाँ कहाँ गई है अपनी शिकायत लेके? रायपुरा अधिकार भी गए हैं, हुआ कागज दे हैं, वहाँ से पुलिस आई है, अब हमारी उल्टा 76 लगवा। किसके ऊपर? जेठ के ऊपर। तो आपको FIR की कॉपी दी है? नहीं देनी। तो आपकी रिपोर्ट लिखी गई कि नहीं? लिखी तो है, तो फिर छोड़ो दे। अब जांच पे हैं, हम नहीं करवाए थे तो बाबूजी जांच करवाने रही, पूरा हम थाना गए हैं रिपोर्ट करने के लिए, वहाँ कोई सुनाई भी नहीं हो रही है। पुलिस भी आई भी का कथी नहीं, मतलब समझा भी गई थी, खूब गंदी गंदी गाली भी दे रही थी और कहाँ रपड़ से वहाँ से हमें छूटेंगे जहर से हैं, तो तुम्हें बूटी बूटी काट, अब घर में तुम्हें आगी लगा दे। अब फिर वहाँ से हमें कोई थाना से कागज भी नहीं दिया है नहीं, तो अब बताओ हम कहाँ गई, अब कोई सुनाई हमारा हो तो नहीं आए। तो ये तोड़ के आया है? हाँ, ये तोड़ के आया है, गए हैं वहाँ DM साहब के पास, SP साहब के पास। उन्होंने क्या कहा? उन्हें फिर बाद में ये फ़ोन किया है रायपुरा वाले की पुलिस बयान कहनी, बाबूजी है फिर बाद में आए हैं नहीं तो ही समझौता कई गए हैं नहीं, वहाँ हमारे नौ रपट कई दिन ही, अब हम फंसा दी हैं नरेश यादव घूम जाए ही नहीं, अब जब उन्हें हमारा कोई सुनाई नहीं होती, अब बताओ घर में कहाँ से निकल जाए घर से ही। उस दिन जब आप पूरा दिन वहाँ बैठे रहे वहाँ कोतवाली में, हाँ, तो कुछ कागज नहीं दिया था FIR का? नहीं दिया दीदी कुछ। ना डॉक्टरी के लिए ले गए? नहीं कुछ नहीं माँ दीदी, कोई नहीं सुनाई भया ना कुछ काम भा, उल्टा हम इनका फंसावो थी, लड़का के नाम 76 लगवा के पेश के ही नहीं। रेप का मामला नहीं है, दोनों का रास्ते का विवाद है। अच्छा, समझ नहीं, दोनों की तरफ से रेप की कपड़ा अपना पता औरतें हैं और दोनों तरफ से दी हैं। अब मैटर जबकि उनका है रास्ते के विवाद का, फर्जी है मामला। अच्छा। दोनों की औरतें दूसरे पक्ष पर रेप का प्रार्थना पत्र दे रही हैं। दरखास्त दिया था, गए थे ले आया, 151 में चालान कर दिए, मुकदमे में 151 लिखा गया, 151 में वो गया है। आपने जांच में क्या पाया? जांच से यही पाया कि
इनका बहुत पहले से झगड़ा चल रहा था। दरवाजे पे दोनों को अगल बगल घर है, बीच में दो तीन महीना पहले कोई बात हो गई, फिर आई थाने पर उसने दरखास्त दिया, इसके बाद हम लोग गए उसको हटवा दिए, मतलब कि रोक दिए और रास्ता फिर चालू हो गया। अच्छा अच्छा, तो ये जो बलात्कार का मामला बता रही है तो वो क्या सही नहीं है? बिल्कुल नहीं सही है। पुलिस के जांच के अनुसार ये मामला फर्जी बताया जा रहा है और सिर्फ रास्ते के विवाद को लेकर के महिला पुरुष पे बलात्कार का आरोप लगा रही है। अगर ऐसा है तो क्या पुलिस को सही तरीके से जांच करके मामले का पता नहीं लगाना चाहिए? कहीं फिर एक महिला इसी तरह न्याय के आस में भटकती ना रह जाए और एक आरोपी यूं ही खुलेआम घूमता रहे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।